स्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बदे पादाम्बुजाय ते नमः। नाम भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौर आविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जयतां सुरतरुपंगोर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पादाम्बुजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठलिभिः मान स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आ गोटे जमा कितने पड़ गए नहीं ना ठीक है दवनल सम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुण भारी धन कृपा भारी धनी बंदी से गुरु चरण कमल नृत्य गीत वाच श्री हरि कीर्तनी राहे रोमांच संपाद
चित्रभिकार अमर हृदय भोग करनिगार अमर हृदय रोग Hey, don't run me,
Thank you.
हरि हरि कबे मो आई बे सुदीना हरि हरि कबे मोरा आई बे सुदीना हरि वंदे Thank you.
ललित गा राधे जय जय माधव जय राधे
କହିପାରିବ ଖାଲି କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା କୁହ ତୁମେ ବି ୟାଦ ଥାନି ବୋଲ ଗୁମ କରିବ ବାଇକ୍ ଲେ
जो प्रभुत्व की अहंकार में आकर के ब्रह्मा जी ने एक समय पे मोहित होकर के एक गलती कर बैठे थे। चैतन्य चरितामृत में वो इंद्र रूप में उसका विवरण बताया गया है। एक समय ब्रह्मा जी श्री ठाकुर जी के पास द्वारका में जब वे आए तो उन्होंने भगवान की ओर देखा और भगवान से भगवान को देखा। क्या देखा ललित, तुम बता सकते हो? छोटी सी कहानी सुना, हाँ? कल सुना रहा था ना, कल कथा। हाँ श्यामानंद तुम सुना, क्या क्या किया ठाकुर जी? ब्रह्मा जी को भ्रमित हो गया कि मैं हर समय सृष्टि करता रहता हूँ, और मैं अगर ठाकुर जी को जाकर बोल दूँ ठाकुर जी परेशान में आ जाएंगे कि इतने सृष्टि करने वाले, फिर मैं अभी छुट्टी लेने जाता। ब्रह्मा जी फिर ठाकुर जी के पास गए और द्वारिका जी के पास जाके बोले कि अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, छुट्टी लेना, कुछ दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। एकदम ब्रह्मा मन में मन सोच रहे हैं कि अगर कृष्ण मुझे बोलेंगे कि आप छुट्टी लोगे, इतना सृष्टि का कैसे होगा, आप इतना सृष्टि करते हो। कौन से दोनों मिला दिए, थोड़ा सा बोले थोड़ा सा बोल दिया, दोनों कथा मिला दी, बोलो बोलो ब्रह्मा जी की है, दोनों मिला दी, बोलो बोलो। तब तब क्या हुआ ना, ठाकुर जी बोलते ठीक है आप एक महीने की छुट्टी ले लो। तो ब्रह्मा जी जब बाहर जाते हैं तो बाहर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मा, किसी 10 मिनट किसी का, उनसे बड़े बड़े ब्रह्मा लाइन पे खड़े हैं। तो एक ब्रह्मा जी और हमारे चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी अलग अलग ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी को पूछे कि आप यहाँ आप लोग कौन हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे सुने हैं कि कोई छोटे ब्रह्मांड का ब्रह्मा क्या हुआ है ना, यहाँ पे एक वैकेंसी खाली हो गया है। तो ब्रह्मांड का छोटे ब्रह्मा उसमें, तो हम वहाँ पे अभी भगवान शायद हमको निशुष्टि करते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े, तब उनका अमन दूर हो गया। और दूसरे और बताया जी ठाकुर जी ने उनको वही नहीं दिया, ठाकुर जी ने उनको साइड कर दिया। तो एक कोने में देख रहे हैं कि सारे के सारे ब्रह्मा और जब आते हैं उसके कानों में कुंडल जैसे होते हैं, प्रणाम करते हैं, वो हमें मुझे बता रहे थे कि धन करके काम हो जाए और सब लोग ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो वो सोच रहे थे कि चार मुख वाले ब्रह्मा सोच रहे थे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, जो ब्रह्मांड में है दूसरे ब्रह्मांड में वो जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि सारे के सारे ब्रह्मांड को ब्रह्मा को बुलाया ताकि चार मुख वाले ब्रह्मांडों के जो भ्रमण को ठाकुर जी दूर कर। और जब हम देखते कि मैं तो सबसे छोटा ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का और बड़े बड़े ब्रह्मांड है और उसमें पता नहीं बहुत बहुत देर के बाद ब्रह्मा भी है, और देख के उन्होंने कहते हैं उनका उनका दूर हुआ। हरे कृष्ण, ठीक है। कल पढ़ के आना, मैंने क्या बताया उसमें बहुत सारी कथा है। उसको बाद में कृष्ण की महिमा किसे गा रहे हैं सब अच्छे अच्छे दे दो हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण ओम ज्ञान ब्रह्म धस्य ज्ञाना जन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। तो आज है अंग्रेजी महीना की पहला दिवस है। कितना वीरवान होनहार की होते ही चिकन पात कहते पहला दिन अगर हम भगवान की कथा से शुरुआत करेंगे तो हमारे जीवन क्या होगा। सारा जीवन हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते रहेंगे। और जो भगवान की जो कथा है मंगल भवन अमंगल हारी, अगर पहला दिन में भगवान की कथा करेंगे तो हमारा सारा जीवन भी सारा अमंगल दूर होते रहेगा और जीवन में हमारी मंगल मंगल ही आएगा। इसलिए गोपिया कहती है तब कथा अमृतम, ठाकुर जी तुम्हारी कथा नहीं ये अमृत है, हैं भगवान की कथा अमृत है। तब जीवनम समस्त दुखों को नष्ट करने वाले, सारे पाप को नष्ट करने वाले, जीवन को मंगल देने वाले। और जो श्री श्री मतलब होता है ऐश्वर्य जस और मंगल को देने वाले भगवान की कथा, और भगवान की कथा संसार का आसक्तियों को भी खंडन करने वाले। इसलिए जगत में जो कृष्ण कथा को दान करते हैं जगत में वो सबसे बड़े दानी हैं। इसलिए साल का पहला दिन एकदम सवेरे सवेरे हम लोगों ने मंगलारती दर्शन किया है। मंगलारती दर्शन करने से क्या होता है कहते शुभ दृष्टि कर प्रभु जगत तिरुपति। जब सबसे पहले ये पद खुलता है ना, जो सामने खड़े हुए रहते हैं उनको ऊपर में ठाकुर का नज़र डायरेक्ट पड़ता है। अगर किसको ऊपर में ठाकुर जी की नज़र डायरेक्ट पड़े क्या होगा, बोले जागो का हृदय मोर सुमंगला रति, उसका हृदय में भगवान के प्रति सुमंगला रति मतलब प्रेम भक्ति ठाकुर जी के चरण में प्रकट होता है। इसलिए आप लोग जो आज मंगलारती के आए हो और सवेरे सवेरे इतने ठंडी में रास्ता दिख नहीं होगा, आप लोग 4 बजे उठे हो गए, ठंडा पानी में नहाए ना, गर्म पानी नहाए, इसलिए इतना कष्ट करके फिर थरकल मंदिर से जाते जाते कितना समय हो गया था, 10 बजे इसलिए 10 बज गया था मंदिर से गए, फिर घर का काम को निपटा करके फिर सोते सोते 11-12 बज गया होगा। हाँ, इसलिए फिर सवेरे सवेरे इतने जल्दी सवेरे सवेरे उठे और उठ करके फिर नहा धो करके मंगल आरती में आई, नींद आती होगी थोड़ी थोड़ी, अभी जा करके हाँ घर में अच्छे तरह से फिर सो जाना दवा ठीक। लेकिन आप लोगों को धन्यवाद है सवेरे सवेरे आए हैं। आप लोगों ने पहला साल का पहला भगवान की कथा सुन रहे हो। हाँ हाँ, हम लोग गत गल्ला श्रवण कर रहे थे, हम लोग दसम स्कंद की थोड़ा कथा सुन लेते ठीक है, जो क्रम से जो हम कथा को जो क्रम से सुन रहे थे। बोले जिस समय भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के कंस के कारागार में जब भगवान प्रकट हुए उसी समय में हम लोगों ने श्रवण किया था देवकी कैसे भगवान को स्तुति कर रही हैं, उसके बाद में वसुदेव महाराज कैसे स्तुति किया है, हैं इतने में ठाकुर जी स्वयं कहते हैं तुमैवं पूर्व सर्गेभु प्रश्नी स्वयं भुवे सती तदायम सुतपनाम प्रजापति कलमसः। हम लोग इस श्लोक को पहले सुना था, ठाकुर जी उनके पूर्व जन्म की याद दिलाया। बोले देखो इसलिए मैंने ये चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है, किसलिए दिया, बोले तुम्हारी पूर्व जन्म की बात को स्मरण कराने के लिए, कैसे पूर्व जन्म में तुम दो सायं भुव मन्वतर में हैं प्रश्नी और सुतपा नाम में तुम लोग प्रजापति थे, इसलिए उसी जन्म में तुम लोग कहते उसी समय में तुम लोग ने बड़े कठोर तपस्या किया, कहते 12,000 साल तक तुम लोग ने हैं कहते सर्वश्रेष्ठ तुम लोगों ने हमारी उपासना की है। और कैसे बल पेड़ से अपने आप जब सड़ करके सूख करके जो पत्ता गिर जाता था उसको खा करके वायु मात्र पान करके हैं तुम लोगों ने मेरी कठोर तपस्या किया 12,000 साल तक। मैंने जब तुम लोगों को दर्शन दिया है
लेकिन तुम दोनों ने मेरे पास में मुक्ति प्रार्थना नहीं की। तुम लोगों ने क्या प्रार्थना की? क्या ठाकुर जी आप जैसे हमें एक संतान चाहिए। और मैंने कहा भैया मेरे जैसे संतान तो कोई होते नहीं, मेरे जैसे मैं हूँ। इसलिए पहले जो आज हम लोग जो श्रवण कर रहे थे, स्वयं तो असामर्थ्य त्रय त्रिधीश्वर, जिसको उद्धव जी कह रहे, अब उसको श्लोक बताया नहीं, कहते यहाँ से जाने के बाद देखो, जैसे हम जो श्लोक बोलते हैं ना, यहाँ से जाने के बाद जैसे हम बोलते हैं उसको ठीक ठीक से लिखना नहीं होता है, यहाँ से जाने के बाद फिर भागवत को खोल करके उस श्लोक अच्छे तरह से लिखो और उसका जो मीनिंग है उसको अच्छे तरह से भी थोड़ा देख लेना है। कहते स्वयं तो असामात्य, उद्धव क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु असामात्य मतलब होता है भगवत तत्व तो कैसे है, बोले भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, भगवान के बराबर भी जगत में कोई नहीं हो सकते। इसलिए भगवान को बताया असमर्ध तत्व, असमर्ध मतलब समान की बात छोड़ो, उनको ऊपर की बात छोड़ो, उनको समान भी कोई जगत में हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए तुमने बताया, क्या बताया, आप जैसे हमें के पुत्र चाहिए, मेरे जैसे तो कोई होते ही नहीं, मेरे जैसे मैं ही, मेरे जैसे तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी प्रेम में, भगवान सहज में थोड़ी बच्चे बनते हैं, ऐसे तुम्हारी प्रेम में रागानुगा भक्ति में मैं संतुष्ट हूँ, मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन गया हूँ। इसलिए कोई चिंता मत करो, हैं, कोई चिंता मत करो। तब भगवान ने उनकी सब पूर्व पूर्व जन्म में की बात बताई, बोले ये मत समझो इसी जीवन में ही मैं तुम्हारी संतान बनाऊँ, इसकी पहले भी मैंने अदिति गर्भ में मैंने तुम्हारी बावन बन करके आया था, और तृतीया युग में तुम लोग जब दशरथ और श्री कौशल्या बन करके आए, मैं तुम्हारी राम बन करके आए थे। इसलिए तुम लोग मेरे जन्म जन्मांतर का ही पिता माता हैं, जन्म जन्मांतर के पिता माता। लेकिन और क्या बात बताया था, क्या बात बताया था, वसुदेव ने 10,000 गायों को दान देने का निर्णय लिया था मणि का। वो ऐसे भाव में है इसमें नंद बाबा जो है वो माधुर्य भाव में, तो ठाकुर जी कुछ मतलब चमत्कार करते हैं तो वो कहते हैं नारायण की इसमें आदेश होता है, तो नारायण को नारायण का समूह बनेगा। हाँ, और क्या बताया, वसुदेव और जो माता है वो तो नित्य मथुरा से जो नित्य धाम से उनके ही है, लेकिन ठाकुर जी ने जिनको अभी वरदान दिया है रोशनी और सुतपा, उन्होंने उनके अंश रूप में वो वसुदेव जो नित्य वसुदेव और देवकी उनके अंदर मतलब। हाँ, इसलिए जो देवकी वसुदेव है कहती है भगवान की नित्य परिकर है, भगवान की ये नित्य पिता माता, ये मथुरा की ये नित्य परिकर है। लेकिन जब दूसरे दूसरे कोई आराधना करते हैं, जैसे प्रश्न और सुतपा, इन लोगों ने आराधना की, बोले आप जैसे मेरे बेटे बनो, इसका मतलब क्या भगवान इनका बेटे नहीं थे क्या, देवकी वसुदेव का बेटा नहीं थे, देवकी वसुदेव का ही कृष्ण हर समय इनका ही बेटा है। लेकिन जब प्रश्न सुतपा ने आराधना की, भगवान उनको भी आशीर्वाद दिया, ठीक है मैं भी तुम्हारी बेटा बनकर आ जाऊँगा, अभी फिर दो व्यक्ति का दो साथ दो जगह में बेटा कैसे बनेगा। इसलिए वही प्रश्न सुतपा देवकी वसुदेव में तदात मिल करके जगत में प्रकट हुए, प्रकट होने पर तब अनुसंग के रूप में देवकी वसुदेव ने जब वात्सल्य रस की आस्वादन किया, ये लोग भी अनुसंग के रूप में वात्सल्य रस को उन्होंने आस्वादन कर लिया है। इसलिए हम लोगों ने इस बात को हम लोगों ने श्रवण किया था, तब यहाँ ठाकुर जी कहते हैं मैं ये चतुर्भुज रूप में मैंने किस लिए दर्शन दिया, बोले इसलिए दर्शन दिया तुम्हारी पूर्व जन्म को याद कराने के लिए मैंने जन्म दी, मैंने दर्शन दिया। ऐसे करते करते ठाकुर जी एकदम ठाकुर जी चुप हो गए, और जो चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने जो दर्शन दिया था, हठात उन्होंने क्या हो गए, एक साधारण प्राकृत बालक बन गए, बड़े से चतुर्भुज दर्शन दिया, उसके बाद में उन्होंने एक छोटा बालक बन गए। मतलब कृष्ण वहाँ पर जन्म नहीं हुए हैं, जैसे कि माँ की पेट से स्वाभाविक रूप में जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, कृष्ण वहाँ पर जन्म नहीं लिए, इसलिए कृष्ण मथुरा में क्या हुए, प्रकट हुए हैं, वहाँ कृष्ण जन्म नहीं हुए हैं। क्योंकि बच्चा जब जन्म होता है, आपको पता होगा बच्चे जब जन्म देते हो माँ की पेट के साथ में बच्चा का जो नाड़ होता है जुड़ी हुई रहती है, वो नाड़ को काटी जाती है, यहाँ पर थोड़ी नाड़ छेदन हुई, नहीं हुई, ये कहाँ पर हुई, इनकी गोकुल में हुई है। इसलिए तब इतने में
यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं देवकी वसुदेव को, कह देखो अगर तुम लोगों को मेरे से, अगर कंस से तुम लोग डर रहे हो तो कंस इसको पहले छह छह बच्चों को मार डाले, मतलब अगर तुम लोग कंस से डर रहे हो एक काम करो मेरे को यहाँ से ले जाओ कहाँ, गोकुल में ले जाओ, और गोकुल में ले करके वहाँ पर श्री मैया जसोदा ने वहाँ पर एक उन्होंने बेटी जन्म दिया, और मेरे को लेकर के वहाँ रह करके बेटी को वहाँ से ले आए करो। जब ले आए करो यहाँ पर कह रहे हैं अभी जाएंगे कैसे, अभी तो हथकड़ी बड़ी बड़ा हुआ ना, हाँ श्रृंखला बड़ा हुआ है हाथ और पैर में, और बड़े बड़े ताला लगा हुआ है, और पहरेदार सब के सब जगे हुए हैं, क्योंकि कंस का आदेश है, हैं तुम लोग को जगे रहना यहाँ पर। बोले फिर हम जाएंगे कैसे यहाँ से, बोले कोई चिंता मत करो, तुम लोग केवल मेरे को अपना सर पर रख लो, मेरे को अपना केवल सर पर रख लो, सर पर रखते ही क्या होगा, ये श्रृंखली जो हाथ में अपनी आप टूट जाएगी, पैर का बेड़ी अपनी आप टूट जाएगा, पहरादार अपने आप सो जाएंगे, ताला अपने आप खोल जाएगी। तो यहाँ सिखा देते हैं अगर हम कोई भी संसार में काम करते हैं अगर भगवान को आगे रख कर करो, भगवान को आगे, जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो ऐसे नहीं, अपना बच्चे का भी 8-10 जोड़ी कपड़ा है तभी एक नया ड्रेस लाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो बर्थडे आता है ना, ठाकुर का तो इतना सारा कपड़ा है, हैं ठाकुर को इतना सा क्या जरूरत है ठाकुर के लिए खरीदी करने का, हैं कहते ऐसे नहीं, भगवान के लिए भी अपना बच्चे को देखने से पहले ठाकुर जी के लिए पहले कपड़ा लाओ, ठीक है ना। हर घर में जो कुछ बनता है सबसे पहले नहीं हम किसको खिलाने के लिए कर रहे हैं, हाँ हमारे जो बाहर से जो लोग आएंगे उनको खिलाएंगे नहीं, पहले ये देखो सबसे पहले घर में खाना जो बनता है किसको भोग लगा, पहले भगवान को भोग लगनी चाहिए। इसलिए कहते अगर घर में जो कुछ काम करे भगवान को निमित्त करके, भगवान को आगे करके चलोगे ना, फिर तो सारे काम तुम्हारी बढ़िया होते। इसलिए जब उनने सर पर केवल उन्होंने भगवान को मेरे केवल सर पर रख लो, देखना सबके सब बंधन अपने आप तुम्हारी टूट जाएगी, सारे बंधन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कहते यहाँ पर कृष्ण जब जन्म हुए बोले गर्भ काले तू असंपूर्ण, अभी एक बच्चा कब जन्म लेता है, 9 महीना 10 दिन में, कभी कभी 10 महीना में जन्म लेता है, कितना में 9 महीना 18 दिन में, हैं और कभी 10 महीना में जन्म लेता है कभी, इसलिए लेकिन यहाँ पर कृष्ण कब जन्म हो गए, उन्होंने 8 महीना में कृष्ण जन्म हो गए। बोले इसका कारण क्या है, कल कहते गर्भ काले तो असंपूर्ण, गर्भ भी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि कंस को पता है बच्चा जब जन्म लेगा वो 9 महीना 18 दिन में जन्म लेगा, तब तो हम अच्छे तरह से उसको देखेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण पहले ही जन्म लेंगे, इसको पता ही नहीं चले भगवान कब जन्म हुए और कब यहाँ से चले उनको पता ही नहीं चले, इसलिए कृष्ण ने 8 महीना में कृष्ण जन्म हो गए। फिर इनके जन्म ठीक उसी समय जिस दिन देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया ठीक उसी समय में मैया जसोदा ने उन्हें दो बच्चों को कृष्ण, मैया जसोदा उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया, पहले कृष्ण को जन्म दिया उसके बाद में फिर जोग माया को जन्म दिया। मैंने इसका क्या प्रमाण क्या बताया था, हाँ इसलिए कहते आप लोग कोई कोई बोलेगा ना आप लोग तो खेचातानी करके अर्थ लगाते हो, सारा दुनिया बोलेंगी कृष्ण मथुरा में जन्म हुआ, आप कहते गोकुल में जन्म हुए, हैं गोकुल में जन्म हुए कोई प्रमाण है, कहते यहाँ पर ये श्लोक में यहाँ पर बताया कहते अदृश्य तनुजा विष्णु, जिस समय कंस ने पछाड़ मारने के लिए गया ऊपर में कौन चले गया, बोले विष्णु तनुजा, विष्णु के पीछे पीछे जो जन्म हुए, पहले तो कृष्ण जन्म हुए उसको पास में उनकी छोटी बहन जो माया ने भी जन्म ग्रहण की है। इसलिए कहते एक तो भागवत में एक श्लोक और दूसरा श्लोक कहाँ पर है, कहते हरिवंश में एक श्लोक है और एक कहाँ पर, कहते रुद्र जामल में, दो जगह पर दो श्लोक है, क्या श्लोक है, सुसुबाते इसलिए कहते ये एक श्लोक और एक श्लोक क्या, राजा घने सौता अभिनी जाता, इसलिए एक रुद्र जामल में
और एक है हरिवंश में, दो जगह में ये दो श्लोकों को शंकर जी स्वयं पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती मैंने स्वयं देखा मैया जसोदा ने दो संतान जन्म दिए, पहले तो उन्होंने कृष्ण को जन्म दिए, उसके बाद में उन्होंने जोग माया को उन्होंने जन्म दिया है। लेकिन कहते सांबिका मथुरा गता, लेकिन उन्होंने क्या किया वहां पर जब कृष्ण को लेकर के आए, जो पूर्ण कृष्ण में अंश कृष्ण मिल गए, और यानी सांबिका मतलब अंबिका को उन्होंने मथुरा में लेकर के चले गए। बोले कैसे, जैसे आकाश में जैसे बिजली चमकती है ऐसे ही वहां पर जन्म हुए हैं, ऐसे ही जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण देवकी नंदन कृष्ण को उन्होंने अपना शरीर में मिला लिया है। कहते ये दो श्लोक है। जिस समय तब उन्होंने तो लेकर के चले गए, जब उन्होंने लेकर के चले गए चतुर्भुज द्वारा जेखने नरा के प्रवेश प्रकट हो जाए, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण जब गोकुल में जन्म हुए, मथुरा में तो बता दिया चतुर्भुज रूप में कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन जब गोकुल में कृष्ण जन्म हुए सुखदेव गोस्वामी उन्होंने कोई बात को नहीं बताया। इसका मतलब है जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है उन्होंने गोकुल में ही उन्होंने जन्म लिया है। और कद जितने हैं, कद जितने जोग माया की कृपा से जितने द्वारपाल जितने पौरजन सबके सब निद्रा में सोए हुए, यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे सूर्य उदय होने से जैसे अंधकार अपने आप दूर होता है, उसी तरह यहाँ पर कृष्ण रूपी सूर्य जब उदय हुए उस समय में क्या हाथकड़ी बड़ी खुल गई, सबके सब सो गए, ताला सबके सब अपने आप सबके सब खुल गया सबके सब। और उसी समय क्या हो रहा था, आकाश में मेघ गरज रहा था, रिमझिम बारिश हो रही थी। लेकिन उसको पहले हमने एक बात बताया था, क्या बताया था, कहते उस समय भागवत में बताते हैं जिस समय कृष्ण जन्म हुए उस समय आकाश में निर्मल था, तारा चंद्रमा उदय हुए थे। लेकिन फिर कहते यहाँ पर रिमझिम बारिश फिर कैसे हो रही थी, मेघ कैसे छाया हुआ था, गड़गड़ गरज था, एक प्रकोष्ठ में, इसलिए कहते वहां पर पूरा आकाश में मेघ नहीं छाया हुआ था। जहां पर कृष्ण जन्म हुए जहां पर मथुरा में वहीं पर ही एक खंड मेघ वहीं पर उदय हुआ था वहीं पर। और उसी समय में इसलिए जिस समय श्री कृष्ण को रख करके जब जा रहे थे उस समय क्या हो रहा था, श्री बारिश हो रही थी, इसलिए अनंत देव ने छत्री रूप में उनको रक्षा कर रहे थे उस समय। और जब उन्होंने पहुंचे कहा यमुना में, वहां पर उताल तरंग बड़ी बड़ी लहरी आए है, भयानक आवर्त मतलब इसको घूर्णी जैसे है, भवरा है, इसलिए वहां पर अभी वो तो डर गए, अभी कृष्ण को कैसे पार कराएंगे है। पहले मैंने बताया था ना जब उन्होंने प्रवेश किए अलग अलग जगह पर अलग अलग बात आता है, जब उन्होंने प्रवेश किए प्रवेश करते ही यमुना महारानी भी सोच रही है मैं भी तो ठाकुर का चरण को स्पर्श प्राप्त करूं, इसलिए कृष्ण ने क्या किया पीछे से चरण को बढ़ा दिया और यमुना नदी उनके चरण को स्पर्श कर लिया। और लेकिन जब गए कभी गले तक उनको पानी हैं, इतने वसुदेव महाराज डर गए और जिस सूप में ले जा रहे थे ना उसको ऊपर उठा दिए और बोले भैया कोई हो तो मेरे लाला को ले लो, इसलिए गया का गाँव का नाम क्या पड़ गया कोले, अभी भी वो गाँव का नाम है, वो गांव का नाम कोले मतलब कोई हो तो मेरे लाला को ले लो कोई हो तो। इसलिए वहां से लेकर के उन्होंने क्या किए, जब उन्होंने अंश कृष्ण को रखे जो पूर्ण कृष्ण, उन्होंने दोनों को मिल करके एक हो गए। लेकिन अंधकार में वसुदेव महाराज को बात कुछ पता नहीं चला है, जोग माया कृपा से पता नहीं चला, उन्होंने गुप्त रूप में है कहते कंस को वंचना करके उन्होंने गुप्त रूप में वहीं पर रख लिया। तो यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर एक बात कह रहे हैं, लेकिन वसुदेव महाराज ने कंस से क्या प्रतिज्ञा किया था, मेरे जितने बच्चे होंगे एक एक करके सारे बच्चों को मैं तुम्हें दे दूंगा है, तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वसुदेव महाराज यहाँ पर कह रहे हैं वसुदेव महाराज बहुत सत्यवादी, ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, पूरा सत्यवादी थे। लेकिन उन्होंने इतने सत्यवादी थे कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन कंस को प्रतिज्ञा किया एक एक करके सारे बच्चे दे देंगे, लेकिन फिर कृष्ण को कहाँ पहुंचा दिया,
गोकुल में पहुंचा दिया। फिर उन्होंने पाप कर्म किए ना, कहते उन्होंने पाप कर्म किए क्योंकि उन्होंने वाक्य को उन्होंने खंडन कर दिया, अपना पालन नहीं किया, उनको पाप लगनी चाहिए। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, कहते नहीं, कहते इनकी भगवान के प्रति इतना प्रेम था, हैं, इतने ठाकुर जी का प्रति प्रेम था, ठाकुर जी के प्रति अत्यधिक प्रेम होने का नाते भले ही मैंने जो प्रतिज्ञा कही, भले ही मेरे वाक्य टूट जाए, भले ही मैं नरक क्यों नहीं जाए, लेकिन भगवान को मैं कभी ये दुष्टों के हाथ में भगवान को कभी नहीं दूंगा, इसको मैं कहाँ पहुंचा दूंगा, इसको मैं गोकुल में पहुंचा दूंगा। इसलिए उन्होंने पाप को उन्होंने नहीं डरे। इसलिए यहीं पर पहले एक बार बताया था ना, गुरुदेव कहते हैं, कहते श्री दशरथ महाराज से श्री वसुदेव महाराज का जो प्रेम श्रेष्ठ है, उनसे उन्होंने प्रेम श्रेष्ठ है। क्यों? दशरथ महाराज ने क्या बोले थे, कई कई को दो बार देंगे, दो बच्चे देंगे ना, दो वरदान देंगे। उन्होंने दो बार में क्या मांगे, पहला बार में मेरा बेटा भरत राज सिंहासन में बैठेगा और दूसरा बार में रामचंद्र 14 साल के लिए उन्होंने वनवास जाएंगे। हैं, उन्होंने दो बार मांगे लेकिन भगवान राम स्वयं वनवास चले गए। इसलिए कभी कभी लक्ष्मण बिगड़ जाते ना, ये बूढ़ा का सठिया हो गया है, ये कहाँ अपना भगवान को उन्होंने वनवास दे दिया है, इसलिए एकदम बिगड़ गए। बोले धनुष लेकर के हम सबको देख लेंगे, इसलिए चिंता, राम को बोले चिंता मत करो, अब सिंहासन है आप ही बैठो, भाई भरत को भी मैं देख लूंगा है, इसलिए मैं रहते हुए। इसलिए लक्ष्मण एकदम गुस्सा में लक्ष्मण आ गए थे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर वसुदेव महाराज है का प्रेम, उन्होंने तो रामचंद्र को वनवास दे दिया ठाकुर जी को, लेकिन हमारे वसुदेव महाराज ने ऐसे उन्होंने नहीं किया, भले ही मेरे वाक्य झूठा क्यों नहीं हो जाए, भगवान को रात रात उन्होंने गोकुल में उन्होंने पहुंचा दिया है। अभी उन्होंने गोकुल में पहुंचे, जब उन्होंने वापस आ गए और पहले जैसे हाथ में श्रृंखला श्रृंखला था ना, बस हाथ में लगा करके बस जैसे चुपचाप होकर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए बोले यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्धते न तत् अलिंगम परिश्रांता निर्दयापगत स्मृति। यहाँ पर कह रहे हैं, जिस समय मैया यशोदा ने संतान को जन्म दी, आप लोगों ने संतान तो जन्म दिए होंगे, संतान जन्म दिए होंगे ना, कितने प्रसव पीड़ा होता है उस समय। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, एक लड़की अपना माँ को कह रही, बोले मैया मेरे पेट में बेटा है ना, इसलिए पता नहीं बेटा कब जन्म हो जाएगा, मैं जब बेटे को जन्म दूंगा अगर सोता हुआ रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मेरे को मैया जगा देना। मैया बोली, लाली तेरे को जगाने का जरूरत नहीं, तू पूरा परिवार को जगा देगी, हैं, इसलिए तेरे को जगाने का जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, कहते यहाँ पर कृष्ण जन्म हुए क्या मैया जशोदा को पता नहीं चला। यहाँ पर दो कारण बताते हैं पता नहीं चलने का। कृष्ण जब जन्म हुए, भगवान जन्म हुए ना, जब साधारण बच्चा जन्म लेता है तब प्रसव पीड़ा होता है, साधारण जब बच्चा जन्म लेता है। लेकिन यहाँ पर जन्म कौन हुए, स्वयं आनंद कंद भगवान कृष्ण जन्म हुए, इसलिए जन्म होने का नाते उनको थोड़ी सी तो कहीं पीड़ा हुई, थोड़ी सी कहीं मीठी मीठी कहीं पीड़ा हुई है, लेकिन जब पीड़ा हुई उसमें उन्होंने और दूसरी क्या हुई, कृष्ण जन्म हुए आनंद हुआ, एक साथ में पीड़ा भी थोड़ी हुई और एक साथ में उनको आनंद हुआ। इसलिए कहते ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए मैया जशोदा वहां पर बेहोश जैसे मैया जशोदा पड़ी हुई है, लेकिन कब वसुदेव महाराज आए और बच्चे को देख रहे कब चले गए, उनको ये बात पता नहीं चली। ये बात अभी जिस समय इधर की आवाज, जिस समय उन्होंने वसुदेव महाराज अंदर में आ गए और इतने में जो बालिका को लेकर के आए, इतने बालिका ने रोना प्रारंभ की। जब उन्होंने रोना प्रारंभ की, जैसे गृह पालित जैसे कुत्ता है, जैसे थोड़ी सी कुछ होने पर जैसे जग जाते हैं, जब उन्होंने थोड़ी सी रोना प्रारंभ की, जो गृह पालित कुत्ते मतलब जितने द्वार पालते, ये सब के सब उन्होंने देखा, कह सका तो काल जन्म ले लिया अष्टम गर्भ का संतान। इन लोगों ने भागते भागते गए और जा करके उन्होंने कंस को उनको बोले, कंस को बोलते ही कंस तो पहले से ही डरा हुआ था, दिन रात सोचता काले काले मुरली वाले मेरे को मारने वाले, उसको तो दिन रात को बोले कृष्ण 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 चिंता हो रहा था, मेरे काल जन्म लेगा।
और जब जा करके बोल दिए तेरे काल ने जन्म ले लिया अष्टम गर्भ का संतान, उसी समय में कंस अपना शज्ञा से उठ खड़े होकर के मेरा मृत्यु जन्म लिया है, कहाँ प्यार गिर रहा है, क्या नहीं कर, डर डर हमारे सारे केस केस खोला हुआ एकदम भयभीत तो होकर के भागते भागते उसने कहाँ पर अपना सुती का गृह में आए। जब आए इतने में देवकी कहते भैया तुम मेरे हैं मेरे छः छः बच्चों को तुमने मार डाले हो, ये बच्चे को तुम मत मारा करो हैं, ये बच्चे को मत मारा करो, इसलिए बच्चा जब बड़ा होगा ना तेरे तेरे बहू में बना दूंगी, हमारे घर की ये बहू बन जाएगी, इसलिए तुम इसको मारा मत करो हैं। उन्होंने अपना हाथ से बड़ी जोर से चुपका कर रख दी जैसे बच्चे को रखते हैं, लेकिन कंस कहाँ सुनने वाले हैं। इतने में कंस ने जोर जबरदस्ती हाथ उनको प्यार पकड़ करके खींच करके लाए, और खींच करके ला करके जब उसने पछाड़ने चाह रहा था, इतने में पछाड़ किया उसने उसकी चरण से कंसों करके ठोकर मारे, कहीं जैसे बिजली लगती है ना वहाँ धड़ाम करके कंस गिर गया, गिर करके वो आकाश में जा करके अष्टभुजाओं को धारण कर लिया। धारण करते हुए क्या कहती हैं, कहते रे मूढ़ कंस तू क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कहते ये भी सही बोला, क्योंकि उसको मारने वाले कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका, कृष्ण से यहाँ जन्म नहीं हुए, कृष्ण यहाँ प्रकट हुए गुरुदेव का, जन्म तो उन्होंने और कहीं उन्होंने जन्म हुए। तो यहाँ पर एक और एक बात कह रहे हैं, जैसे देखो तो देवकी उसको पहले छः छः बच्चों को तो उसने मार डाला, वो तो कुछ बोली नहीं छः छः, लेकिन यहाँ जब लड़की को जब मारने जा रहे थे तब इतने कातर स्वर से प्रार्थना क्यों कर रही थी, इतने कातर होकर क्यों प्रार्थना, बहुत उन्होंने कोशिश की बचाने के लिए, बोले पहले तो छः बच्चे मार दिया कंस, लेकिन इसके लिए इतने क्यों कोशिश की, क्यों कोशिश की, पहले तो मारे इसके लिए इतना उन्होंने इसके लिए इतने क्यों ये किए कारण, अष्टम गर्भ था ये कन्या थी, उसको बाद में तो हो सकता है संतान, ऐसे नहीं आठ संतान हो गए कन्या होने का अष्टम गर्भ के लिए। हां देव यहां पर विश्वनाथ जी टीका कह रहे हैं, जैसे इन्होंने बेटे को रख करके बेटी को लेकर के आए, बेटे को रखे और बेटी को लाए, बेटे के जब बेटी को लाए तब उन्हें बेटे मिलेगा कब, बेटी देंगे तभी तो बेटा मिलेगा ना, क्योंकि उन्हें बेटे को रखकर बेटी को आपको बेटी दिया आपसे बेटा आपको बेटा दे करके बेटी लिए, वो कृष्ण मिलेगा कब, जब आप बेटी आप वापस दोगे तभी तो आपको बेटी बेटा मिलेगा ना, अगर आप हाँ अगर आपने उसको बेटा नहीं दिया बेटी बेटी नहीं दिया तो बेटा क्यों मिलेगा, ये कहते ये कारण है। दूसरा कारण है जैसे अपना पास में कोई चीज अगर है, अगर नष्ट हो गया तो अपना था नष्ट हो गया, लेकिन अगर किसी ने तुमको कोई चीज दिया उसको सुरक्षित करने के लिए तुमको दिया, अगर दूसरे किसी व्यक्ति का अगर कोई वस्तु नष्ट हो गया, कहते अपना चीज अगर नष्ट हो गया गया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को कि तो पहले लोग धार्मिक ही होते थे ना, इसलिए अगर दूसरे व्यक्ति को हमने कोई चीज लाए अगर वो नष्ट हो गया तो बड़ा दुख की बात है, बड़े दुख की बात। इसलिए दो कारण से ये देवकी ने बहुत कोशिश की उसको बचाने के लिए, लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला था, वो सुनने वाला नहीं था, लेकिन कहते यहाँ पर फिर उन्होंने उनको ठोकर क्यों मारी, फिर वो आकाश में फिर अष्टभुज क्यों धारण किया, कारण किया है इसका कारण किया, बोले इसका कारण बता रहे हैं कंस को डराने के लिए, कंस को डराने के लिए, इसलिए तुम इनको पर अत्याचार मत किया करो हैं। और अगर साधारण कोई लड़के रूप में बोलता है ना कंस को विश्वास नहीं होता, अरे क्या बोला हमारे क्या कर लेगा, लेकिन जब उन्होंने अष्टभुज धारण करते हुए अस्त्र शस्त्र को साथ में जो बोले, अरे भैया ये तो मेरी ये मेरी आराध्य कंकाली देवी, कंस का कभी भी मथुरा में कंकाली देवी कहते मेरी आराध्य देवी है हैं, ये तो मेरी ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं, अरे ये जब कह रही है मेरा काल अन्यत्र कोई जन्म ले लिया, जरूर कहीं भी मेरा काल कहीं जन्म ले लिया है हैं, इसलिए उसको विश्वास दिलाने के लिए, फिर विश्वास नहीं देगा तो वो एक एक दैत्य को नहीं भेजेगा ना, फिर कृष्ण एक एक को मारेगा नहीं, मतलब यहाँ पर सब सटीक हुआ है हैं, एक एक कर भेजेगा और कृष्ण एक एक कर मारेंगे, ये सब लीला ठाकुर जी के आगे, अगर पुतना को नहीं मारता घर फिर बता सुर फिर हम कथा क्या सुनते हैं, इसलिए इस सबके सब पहले प्लानिंग हुआ है
इसलिए कृष्ण को मारने के लिए भेजेगा, धीरे धीरे मैं भी उनको एक एक से मारते रहूंगा। इसलिए उनको ये पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अष्टभुज रूप में दर्शन दिया, और जो अष्टभुज रूप में दर्शन दिया और चरण की ठोकर मारकर उसको सबक सिखा दिया, उसको सबक सिखाया है। इसलिए तो बिना कारण से बच्चों को मत पार, जब उन्होंने ये बता दिया और कहीं जन्म ले लिया, इतने में कंस को एकदम दुखी दुख हो गया। कहते मैंने ये तो कभी झूठ नहीं बोला, बिना कारण से मैंने अपना बहन को जैसे कि दैत्य जैसे मारता है, कंस कहता है जैसे कि दैत्य जैसे क्रूर व्यक्ति में ऐसे बिना कारण से मैं तुम्हारी छः छः बच्चों को बिना कारण से मार दिया। लेकिन ये क्या क्या कह रही हैं, मैंने जो कहा और कभी जन्म ले लिया, और अगर जन्म ले लिया तो मैं बिना कारण से तुम्हारी संतान को मार दिया, उसको बाद में कंस बड़े दुखी हो जाता है। दुखी होकर के देखो, लेकिन कंस भी तत्व ज्ञान की बात करता है, हैं रावण जैसे हिरण्यकश्यप ने जैसे तत्व ज्ञान, ये भी कोई तत्व ज्ञान की कम तत्व ज्ञान नहीं, ये भी यहाँ पर ना बड़े तत्व ज्ञान की बात कहते हैं। बोले भैया जैसे घड़ा टूट जाता है, लेकिन घड़ा टूटने पर घड़ा तो टूट गया, लेकिन उसका जो मिट्टी थोड़ी टूट गया, मिट्टी जैसे जैसे है ना उसी तरह ये शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होता है ना। आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत ही आत्मा है, केवल उनका शरीर ही नष्ट हुआ है लेकिन उसका आत्मा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए बहन दुखी मत हो, उसका आत्मा खत्म नहीं हुआ, शरीर खत्म नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने बड़ी 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 तत्व भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताया। जैसे कोई पार्थिव वस्तु द्रव्य जब उत्पन्न होकर नष्ट होता है, उसी तरह जो लोग जानते नहीं वो दुखी होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति निकले नष्ट इसको दुखी नहीं होता। बड़ी बड़ी तत्व ज्ञान बात होता है। इसलिए कहते बहन मेरे अपराध को माफ कर दो, हैं इसलिए मैंने अपराध किया, मेरे को अपना आत्मीयता समझ करके अपना समझ करके माफ कर दो। माफी मांगे देवी की देवता दयाल हुए, वसुदेव दयाल हुए, लेकिन उनको तो पता है हम बच्चे को रात रात वो पहुँचा दिया, हमारे बच्चे तो सुरक्षित है, हैं हमारे बच्चे सुरक्षित है। इसलिए देव की वसुदेव भैया की ये दुखी को देख करके, हैं दुखी को देख करके उन्होंने उनको माफ कर दिया। जब माफ कर दिया इतने में कंस आया, आकर के उसने उसका जितने अनुजाई लोग थे, हैं उसका जितने सब अनुजाई कौन त्रिनाम्बर्त पुतना अघासुर बकासुर ये सब कैसी ये सबको उन्होंने बुलाया, बुला करके मंत्रीगण को सब उन्होंने बुलाया, बुला करके उन्होंने क्या बोले ये 10 दिन के अंदर में है मेरे काल तो अन्य पे जन्म ले लिया, ये 10 दिन जन्म लिया तो 10 दिन के अंदर में तो 10 दिन है, यहाँ पर 1 महीना नहीं 10 दिन बताए, 10 दिन के अंदर में तो कहीं जन्म लिया होगा, इसलिए क्या कर सबको तुम लोग मार डालो। और ये लोग जो लोग थे ये अपना इच्छा से ये अपना मूर्ति धारण कर सकते हैं, ये अपना इच्छा से मूर्ति धारण कर सकते हैं। तब वो लोग कंस को हिम्मत दे रहे हैं, देव क्या हिम्मत दे रहे, बोला आप क्यों चिंता करते हो, ये देवता लोग तो तुम्हारे पास में गिड़गिड़ाते हैं, हैं तब उनको तुम जो गिड़गिड़ाते हैं तुम उनको माफ कर देते हो, हैं तुम उसको माफ करते हो। और दूसरे बात ब्रह्मा, ब्रह्मा तो बूढ़ा हो गया है, ब्रह्मा बूढ़ा हो गया, इसलिए कहते बूढ़ा होकर क्या करते हैं अक्सर करके ब्रह्मा जी बूढ़ा होकर के वो तपस्या करता है। और जो शंकर जी हैं कहते शंकर जी कहते हर समय तो वन में जंगल में रहते हैं, और जो इंद्र हीन ब्रजहीन व्यक्ति हैं, इसलिए अब ब्रह्मा तो तपस्या करते हैं, वो तुम्हारी क्या करेंगे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ हमने सुना जो विष्णु है ना ये सबका मूल ये विष्णु है, हैं ये विष्णु इनके अधीन में ये सब के सब रहते हैं, ये विष्णु को थोड़ा देखना पड़ेगा, हैं ऐसे क्या करो कहती ये विष्णु खा खा कर बलवान हो रहे हैं, जितने साधु संत क्या करते हैं हवन देते हैं ना विष्णुआय सुहा कृष्णाय सुहा यज्ञ में, इसलिए यज्ञ में जब कोई वस्तु सुहा करते हैं उसको ही वो लोग खा खा करके ये देवता लोग विष्णु बड़े बन रहे हैं। एक काम करो जड़ से खत्म करो, बोले जड़ से क्या खत्म करो, बोले जितने गैया को मार डालो, गैया तो दूध देने वाला दैया है उससे तो घी बनता है, और जितने हरे हरे पेड़ को काट डालो उसको फल फल खिलाते हैं विष्णु को, हैं इसलिए सब बस इसको खत्म कर दो, बस अपने आप विष्णु तो खत्म हो जाएगा, अपने आप वो अपने आप मर जाएगा। इसलिए क्या करो एकदम ईर्ष्या द्वेष करो। इसलिए कहते हैं बोले विप्रा गावस ब्राह्मण
यही लोग तो पूजा कर सेवा पूजा करते हैं। ये ब्राह्मण को मार डालो, गैया को, वेद है, कहते इसमें ही भगवान की स्थान है, कहते इनको पर अत्याचार करो, अत्याचार करके इनको सब मारना पीटना इनको शुरू कर दो, बात सबके सब शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ कहते हैं, लेकिन जिस समय कोई साधु ऊपर में गैया पृथ्वी को ऊपर में कोई अत्याचार करो, कहते आयु इसको तरह क्या नष्ट होता है, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी, उसके बाद में श्रीय तुम्हारी श्री नष्ट हो जाएगा, जसो तुम्हारी जस नष्ट हो जाएगी, हैं, कहते ये सब के सब क्या होगा, हंति श्रेयासी सर्वानी पुंसम महति आक्रमण, जिसमें कोई महापुरुष को पर अत्याचार होता है ये सब के सब नष्ट हो जाता है। जैसे वेद गो ब्राह्मण साधु संत इनको पर अत्याचार होने से ये सारे को सारे नष्ट हो जाता है। इसलिए जब नष्ट होने लग गया, इतने में भगवान ने क्या किया, गोकुल में नंद के लाला बन करके भगवान कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया। बोले श्री नंद के लाला की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय। इसलिए कल हम लोग श्रवण करेंगे यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण जन्म हुए, कहते जन्म होने पर उन्होंने जो उनकी जन्म महोत्सव को जो वर्णना करते हैं 18 श्लोक में उन्होंने वर्णना करते हैं, हम तो 18 श्लोक नहीं 2-4 श्लोकों को हम लोग सुनेंगे कैसे उन्होंने नंद उत्सव को कैसे पालन करते हैं, ठीक है, नहीं शाम को, वहाँ शाम को सुनेंगे, शाम को, आज हम कृष्ण कथा इसलिए सुने साल का पहला दिन था इसलिए आज हम लोगों ने कृष्ण कथा बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama शाम को मैं देखूंगा।